उत्तर प्रदेश में रोडवेज UPSRTC की जगह प्रदेश में आधुनिक सुविधाओं युक्त 2x2 स्लीपर कोच व साधारण कोच अनुबंधित बस सेवा का संचालन किया जाए, क्योंकि देश के कई राज्यों में ऐसी बस सेवाओं का संचालन सफलतापूर्वक किया जा रहा है, जिससे वहां के रोडवेज को घाटा होने की समस्या का तो निदान हुआ ही, साथ ही में यात्रियों को भी बेहतर बस सेवाओं का आनंद मिल रहा है। निम्नलिखित समस्याओं का उल्लेख करते हुए इस ज्ञापन के माध्यम से भारतीय शक्ति चेतना पार्टी आम जनमानस की सुखमय यात्रा व प्रदेश की उन्नति एवं बेहतरी के लिए पूरे प्रदेश में अनुबंध के आधार पर बस सेवाओं के संचालन की मांग करती। श्रीमान जी वर्तमान रोडवेज की बसों में 100 किलोमीटर तक यात्रा करवा रही बस को स्टेपनी व चेक नहीं दिया जाता। इस कारण बीच रास्ते पर बस के पंचर हो जाने पर रोडवेज बस यात्रियों को गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंचा पाती। इस प्रकार यात्री और श्रद्धालुओं का सामान, लगेज इत्यादि उतारने चढ़ाने हेतु बस में कोई क्लीनर न होने के कारण बहुत ही परेशानी उठानी पड़ती है। राजधानी व इंटरसिटी बसों के शीशे टूटे होते हैं, इसी कारण कई बार यात्रियों को सीट छोड़कर अथवा खड़े होकर जाना पड़ता है। कई बसों में साइलेंसर फटे हुए होते हैं, जिससे काफी ध्वनि प्रदूषण होती है। रोडवेज बस के ड्राइवर के पास वर्दी होते हुए भी उनका उपयोग नहीं कर रहे। आशा है कि श्रीमान जी हमारे जनहित में उठाई गई इन मांगों पर अवश्य विचार कर अपनी बहुमूल्य सहमति प्रदान करें। बांदा से संवाददाता धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट। पवन कुमार सोनी, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष। आज जिला अधिकारी के पास आप किन किन मांगों को लेकर यहां उपस्थित हुए हैं? आज जिला अधिकारी के पास हम लोग अपने प्रदेश में अनुबंधित बस चलाने के लिए जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया, जिसके माध्यम जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री तक पहुँचाया जाए, जिससे आज समाज में जो यात्रियों को असुविधाएं हो रही हैं, रोडवेज बसें चल रही हैं, रोडवेज बस से जो सरकार को घाटा लग रहा है, उस घाटे की भरपाई करने के लिए अनुबंधित बसें चलाई जाएं, जिसके माध्यम से यात्रियों को सुविधा होगी और अपनी यात्रा व यात्री सुविधाजनक तय कर पाएंगे। सही है मैडम। मेरा नाम गुलाब चंद्र कुशवाहा, जिला अध्यक्ष बांदा भारतीय शक्ति चेतना पार्टी। किन मामलों को लेकर आज आप ज्ञापन दे रहे हैं? हम उत्तर प्रदेश में जो सरकारी रोडवेज बसें चलाई जाती हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी ये मांग है कि उत्तर प्रदेश में भी अनुबंधित बस सेवा को संचालित किया जाए, जो अन्य प्रदेशों में चल रही है भारत देश के, जैसे यात्रियों को यात्रा भी मतलब जो बेहतरीन तरीके से मतलब यात्री अपनी यात्रा तय कर सकें, क्योंकि जो वर्तमान में जो सरकारी बसें चल रही हैं इनमें व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, क्योंकि कोई बसों में स्टपनी नहीं, किसी में जैक नहीं, किसी में रिमपाना नहीं, तो किसी का शीशा टूटा, किसी की सीट फटी, किसी की छत चू रही है, और वर्तमान में जो कंडक्टर ड्राइवर हैं इनके पास वर्दी भी सरकार की तरफ से दी जाती है तो वर्दी भी नहीं पहनते, जिससे यात्रियों को अपनी सुरक्षा का एहसास नहीं होता है, अपना सामान लगेज खुद करना पड़ता है। तो हमारी सरकार से मांग है कि उत्तर प्रदेश में अनुबंधित बस सेवा को संचालित की जाए, जिससे सरकार का जो घाटा है वो घाटा भी नहीं लगेगा और मतलब बेहतरीन यात्रा का भी लाभ यात्रियों को मिल सकेगा। ये हमारी मांग है भारतीय शक्ति चेतना पार्टी द्वारा जो मांग लेकर आए, तो आप थोड़ा सा क्या करें? देखिए, ये भारतीय शक्ति चेतना पार्टी द्वारा एक ये ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित दिया गया है जी, जिसे जिलाधिकारी महोदय की ओर से मेरे द्वारा प्राप्त किया है। इनकी मांग है कि जो उत्तर प्रदेश में रोडवेज बसें चलती हैं, इनके साथ अगर अनुबंधित बसें भी चलाई जाएं, तो यात्रियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी। इनका ये मांग ज्ञापन मेरे द्वारा प्राप्त किया गया है और इसे संबंधित तक पहुँचाने का कार्य किया है।